आशीर्वाद प्राप्त है। क्या लगता है तोमर जी, नामांकन कराया विकास का कोई दिमाग में मुद्दा होगा बरेली में? देखिए, मैं मेरा केवल एक उद्देश्य है, इस बरेली को भ्रष्टाचार के समंदर से बाहर निकालना और विकास के पथ पर आगे लेके जाना। अन्यथा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं आकर के फिर झाड़ू लगाऊं। लेकिन जो पिछले समय में हुआ कि पूरा भ्रष्टाचार में डूब गया और शहर का सत्यानाश हो गया, तो मुझे आना पड़ा, अन्यथा शायद मैं ना आता। आप नहीं देख रहे, आप शहर में नहीं रहते क्या? जो मैं देख रहा हूँ आप भी देख रहे हो। किससे फाइट मान के चल रहे हैं आप? किसी से फाइट है? फाइट तो अपने आप से होती है बेटा, सबसे पहले फाइट तो आपकी अपने आप से होती है। सर, सपा से भी चाहिए खड़ा है, आप भी खड़े हो, असर पड़ेगा आपको? मतलब नहीं नहीं, कुछ नहीं है, पड़ेगा, बैठ के बातचीत होगी। तो ये कैसा चुनाव कि आप कह रहे हो एक व्यक्ति अगर चुनाव लड़ेगा तो मैं लड़ूंगा वरना नहीं लड़ूंगा? नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा भैया। यार हैं, आपका बयान छपा है कि कोई? ना 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 ना, गलत, वो अरे यार सुन लो मेरी बात, वो गलत छपा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने तो भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए बरेली वालों को अपना जो है समय और ये दे रहा हूँ कि ये बरेली भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम हो सके और शहर से आतंक खत्म हो सके, शहर का विकास हो सके। तोमर जी, आप और 10 साल आपने मेरे कार्यकाल देखे हैं, 10 साल में यदि एक कोई दाग मेरे ऊपर बता दे तो मैं आज राजनीति छोड़ दूंगा। तोमर जी, आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है, और सिंबल तो उनको दिया, फिर आशीर्वाद कैसे आप? मैंने कहा ना, अभी दो दिन देखिए, अभी 2 दिन है बेटा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।